दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और ये चौथा महीना चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की टीम ने मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह आरोप लगाया कि किस तरीके से जो है उसमें गवर्निंग बॉडी के फैसले नहीं हो रहे हैं, जिसको लेके सैलरी की दिक्कत आ रही है। हमारे साथ चौधरी अरविंद कुमार हैं, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष। सैलरी न मिलने की क्या वजह है, गवर्निंग बॉडी क्यों नहीं बन रही, क्या दिक्कतें आई हैं? 3 महीने से ज्यादा हो गया इनका अनुदान को रोके, क्या केजरीवाल पे FIR नहीं होनी चाहिए? जो जानकारियां मिल रही हैं, गवर्निंग बॉडी में लड़ाई है तो गवर्निंग बॉडी के लिए लड़ी है ना। आप प्रोफेसर्स की सैलरी क्यों रोक रहे हैं, उस गार्ड की सैलरी क्यों रोक रहे हैं जिसको 14-15 हजार रुपए मिलते हैं, जिसका घर इससे चलता है, उस माली की सैलरी क्यों रोक रहे हैं, उस बच्चे की पढ़ाई क्यों रोक रहे हो जिस अनुदान से उसको स्कॉलरशिप मिली हुई है? आज बच्चों की शिक्षा रुक गई है। दुख इस बात का कि स्कूलों के कनेक्शन कटते जा रहे हैं, लैंडलाइन के जो फोन है वो कनेक्शन कट रहे हैं, बिजली के कनेक्शन के नोटिस आ चुके हैं। और केजरीवाल जी अपने अहंकार के कारण शिक्षा मंत्री आए दिन नए नए गुमराह करने वाले बयान देते हैं। एक बयान मैंने उनका पढ़ा कि भ्रष्टाचार है जी। गवर्निंग बॉडी को भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के लिए ऑडिट कौन कराएगा, कौन उनके नॉमिनी है? ट्रेजरर इनका है। गवर्निंग बॉडी में 6 साल से तकरीबन जो चेयरमैन है 6 कॉलेजेस के, बताया कि आप आम आदमी पार्टी के नॉमिनेटेड ही हैं, फिर भ्रष्टाचार का क्या मामला है? दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा फंडेड कॉलेज है, चेयरमैन भी गवर्निंग बॉडी के उन्हीं के लोग हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने लोग बैठाने की लड़ाई चल रही है? ये सही कहा आपने, सच्चाई इस बात का है कि यूनिवर्सिटीज को ये राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं। हम भी MLA रहे, मंत्री रहे, किरण जी यहाँ है, शीला जी ने 15 साल इस दिल्ली को दिया, इस दिल्ली को बनाया, संवारा। ये दिल्ली विश्वविद्यालय विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटीज में से है, कभी राजनीति शिक्षकों में या इनके संस्थानों में नहीं रही। इनके अपने मुद्दे हैं, अपने विषय हैं, अपने लोग अपने मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन या तो भाजपा का आप शासन देखें या केजरीवाल शासन दे से आए, इन लोगों की सोच ये है कि इन संस्थानों में अपने लोगों को थोपा जाए, अपनी सोच इनके अंदर थोपी जाए, और जिसका जो जरिया जो रास्ता है वो गवर्निंग बॉडी को बनाना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि केंद्र और राज्य के बीच की ये जो लड़ाई है वर्चस्व की, उसके बीच शिक्षक क्यों पिस रहे हैं, वो भी सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के। कैमरामैन रमेश चंद बेजवाल के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।